Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Today our topic is human skeleton. This human skeleton is basically divided into. कैटेगरीज ह्यूमन स्केलेटन सबसे पहले तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज का आगे हमारे पास सब टॉपिक है ये हमारे एक्सोस्केलेटन का जो टॉपिक हम लोगों ने रिसेंटली छोड़ा है उसका अगला आ, जो है वो हिस्सा है उसकी एक एग्जांपल है एक्सोस्केलेटन और इसको हम लोग बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन टू टाइप्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एक्सियल स्केलेटन एंड सेकंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन सो जेंटलमैन एक्सियल स्केलेटन और पेंटिकुलर स्केलेटन में फर्क क्या है हम लोग तो पहले के देखने के कौन कौन से आपकी बॉडी के स्केलेटन के हिस्से हैं जो कि एक्सियल स्केलेटन में आते हैं और वो कौन से पार्ट हैं जो कि पैंटिकुलर स्केलेटन में आते हैं तो जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है इसमें तीन हिस्से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्कल आपकी जो स्कल है जो खोपड़ी है वो इसका हिस्सा है इसी तरह हमारी जो रिब केज है रिब केज इसका हिस्सा है और इसके साथ हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है वर्टिब्रल कॉलम यह भी इसका हिस्सा है और जो हमारे पास पेंडिकुलर स्केलेटिन है इसके बेसिक दो हिस्से हैं एक को हम लोग नाम देंगे पेक्टोरल गर्डल जिसको आप लोग अपने फोर लिम्स भी कहते हैं और फोर लिम्स के अलावा हमारे पास दूसरा हिस्सा है दैट इज गर्डल और ये आपके लोअर लिम्स जो वो सात कंसिडर होते हैं फोर लिम्स एंड लोअर लिम्स सो अब हार्ड लिम्स भी हम उनको नाम देते हैं आप लोगों को इस चीज का है आप लोग मैट्रिक क्लास में इसके बारे में डिस्कशन देख के आ चुके हैं सो so, अब इसमें कौन कौन सी हेडिंग हम लोग कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम लोग इसको अलग अलग हेडिंग बना के हम देखते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो वाजे हो सके सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस और हम लोग अब बात करेंगे बारी बारी कि आपके किस पार्ट में कितनी बॉन्स हैं और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्कल स्कल के अंदर हमारे पास कितनी बॉन्स हैं और कौन सी पेड़ है और कौन सी अन वी आर गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम आवर बुक ताकि हम लोग इसमें कोई मिस्टेक ना करें हमारे पहली जो चीज है इज मेड अप ऑफ क्रेनियम एंड फेशियल ऑफ कोर्स यू नो क्रेनियम इज दैट पर्टिकुलर लाइनिंग जो कि आपके ब्रेन वगैरह सारे पार्ट्स को जो है फूस रखती है और आपको यह भी पता है कि हमारा जो स्कल है इसके अंदर जो बॉन्स हैं वो इमूवेबल हैं वो मूव नहीं करते सो so, ये आप लोगों ने याद रखना है स्कल so, जो है बेसिकली उसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इट इज मेड अप ऑफ क्रेनियम एंड फेशियल बॉन्स क्रेनियम क्रेनियम भी कितनी बोन्स है सो so, क्रैनियम हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं तो क्रैनियम जो है उसके पास आठ हड्डियां जो है वो एट बोन्स मौजूद हैं और इन एट बोन्स के अलावा हमारे पास जो है इसमें चार अनपेयर्ड हैं दो पेयर्ड हैं ये आप लोग देखेंगे और आप लोगों ने इसको याद भी रखना है अगर पेराइटल एंड टेम्पोरल आर पेयर्ड बोन्स वेयरल फ्रंटल ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटलोइड एंड एथनॉइड आर अनपेड बॉन्स अगर आप लोग को याद हो तो आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में जब ब्रेन पढ़ा था तो ब्रेन के अंदर हम लोगों ने इन तमाम चीजों की कैटेगराइजेशन देखी थी कि हमारे पास जो आ, ये पार्ट्स हैं बेसिकली ये फ्रंटल ऑक्सीपिटल ये लॉब्स कहां पर होती हैं उन सब के जो है ये सारे पार्ट्स पाए जाते हैं सो so, आठ हेडियाँ जो है हमारे पास मौजूद हैं जिनमें से आ, दो जो है वो अनपेड हैं और बाकी हमारे पास जो है वो आ, दो पेयर्ड हैं चार अनपेयर्ड सो इसी तरह हमारे पास आगे चलें तो जो फेशियल बॉन्स हैं दे आर बेसिकली फूड

प्रेजेंट है सो अब उनके अगर डिवीजन को हम लोग देखें तो उसमें मैगजिला जाइगोमैटिक नेजल लेक्रिमल पैलाटीन एंड इन्फीरियर कॉन का यह मैं तो यहाँ पे हेल्प ले रहा हूँ इससे लेकिन आप लोग नहीं लेंगे और आप लोगों ने जब पेपर में इसको अटैम्प्ट करना है तो आप लोगों को ये नाम रटे होने चाहिए आपको याद होने चाहिए कि कौन से हिस्से कहाँ पर हैं सो so, इस तरह हम लोग आगे चलें तो हमारे पास वर्टिपल कॉलम है तो वर्टिपल कॉलम में बेसिकली हम लोग देखें कि कौन कौन से वो पार्ट्स है सबसे पहले हम लोग इसकी ना इसके आगे चलने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि वर्टिपल कॉलम इस एक्चुअली में है क्या So, आपकी जो तो बैकबोन है यह बैकबोन आपको बताएगी कि ये वर्टिब्रल कॉलम है और इसमें बेसिकली तेतीस हमारे पास जो है कॉलम और इस वर्टीब्रल कॉलम के अंदर थर्टी थ्री जो है बेसिकली वो बॉन्स हैं वो पाई जाती हैं इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक like आपको पता है कि छोटे छोटे हिस्से मिले हुए हैं उनके दरिया में फ्लूड मौजूद है वो फ्लूड क्या करेगा वो आपको प्रोटेक्शन भी दे रहा है वो फ्लूड उसके साथ साथ वो फ्राम कर रहे हैं आपकी बॉडी को मोटिलिटी फ्राह्म कर रहे हैं आप लोग ईजिली मूवमेंट शो कर सकते हैं इसी तरह वो आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट चीज़ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है इस तरह वो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं आपके ब्लड सेल्स की प्रपरेशन यहाँ पर हो रही है सो इसी की बेस पर बैकबोन की बेस पे मुकम्मल कैटेगरी हम लोग पूरा टैक्सा रखते हैं ऑर्गेनिजम्स का जिसको हम लोग वर्टिब्रेट्स कहते हैं और उसमें इंसान भी उसकी एक टाइप है तो हम लोग जरा देखने की कौन-कौन सी हड्डियाँ हमारे पास जो है वो मौजूद हैं तो आ, इसके बेसिकली हमारे पास कुछ हिस्से हैं लाइक उन हिस्सों को अगर हम लोग साइड पे लिखना शुरू करें तो सर्वाइकल एक हमारे पास पार्ट है और सर्वाइकल के अंदर हमारे पास 7 वर्टिब्रा जो है वो मौजूद होते हैं सर्वाइकल के बाद हम लोग आगे चलें तो 12 वर्टिब्रा जो है बेसिकली वो पाए जाते हैं थोरैसिक के अंदर आप लोगों को बेहतर तरीके से पता है कि थोरेसिक हमारे गले का रीजन है और ये जो आपकी वर्टीब्रा है ये स्पाइनल कॉर्ड से आगे स्टार्ट हो जाती है और इवन स्पाइनल कॉर्ड का कुछ हिस्सा भी इसके अंदर आता है तो ये हमारे पास थोरेसिक जो रीज़न है इसके अंदर लोकर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो ये बारह हड्डियाँ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं इस तरह हम लोग अगर आगे चलें तो जो लंबर रीज़न है उसमें फाइव हम लोग लंबर रीजन के अंदर रखते हैं और लंबर रीजन के बाद आपके पास जो फाइनल आता है नाइन जो है वो पेल्विक रीजन के अंदर जो है वो पेल्विक के अंदर नाइन बोन्स हैं वो प्रेजेंट हैं हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं सात पाँच ये बारह बारह और बारह चौबीस चौबीस और नौ हमारे पास अल्टीमेटली जो है वो तेतीस हड्डियाँ बना देती हैं सो so, अब इसके बाद हम लोगों को आखिरी चीज़ बचती है दैट इज़ केज और मैं उसको भी यहाँ पर लिखूंगा रिप केज जो है ये हमारे पास तीसरा और आखिरी हिस्सा है आपके एक्सियल स्केलेटन का तो केज में हमारे पास बेसिकली 12 जो है वो बोन्स मौजूद हैं और इनको अगर आप अभी देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं अच्छा एक और चीज़ आप लोगों ने इसके हवाले से याद रखनी है वो ये है कि जो रिपकेज है आपका उसमें आपके सेंटर में भी एक बॉन्ड है बल्कि जिसके साथ ये सारी जुड़ी हुई हैं उस बॉन को हम लोग क्या कहते हैं वी कॉल इट स्टर्नम ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि आगे मेडिकल में आप लोगों को इस तरह की टर्मिनोजी से आपका वास्ता बढ़ता रहेगा सो दिस स्टर्नम स्टर्नम के अलावा दस जो बॉन्ड्स हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच्ड हैं और दो इनमें से जो हैं वो ऐसी बॉन्ड्स हैं जो इससे अटैचमेंट नहीं रखती बल्कि वो आज़ादाना जो है वो घूमरी होती हैं और उनको हम लोग नाम देते हैं फ्लोटिंग रिप्स नाम आपको ज़ाहिर करवा रहे हैं अब लव फ्लोटिंग से आप लोगों को पता लग रहा है कि वो बैरिंग है यानी कि वो इस पूरे फ्लो का हिस्सा है नहीं है वो अलग से जो है या अगर भी आप हाथ लगा के भी चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आपको फ्लोटिंग जो है वो मिलेंगी अब हम लोग इसके दूसरे हिस्से पे चलते हैं और दूसरा हिस्सा आप लोगों को जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि एक आपके पास एक्जियल स्केलेटन है और इसका दूसरा हिस्सा हमारे पास जो है दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन तो लेडीज एंड जेंटलमैन अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो हिस्से हैं एक हमारे पास है limb, जिसको हम लोगों ने पेक्टोरल गर्डल भी कहा था और दूसरा हिस्सा हमारे पास जो है दैट इज हाइंड हाइंड और फोर लिम में आप लोगों को फर्क जो है वो भी वाज होना चाहिए आपके जो शोल्डर पोर्शन है मतलब पहले हम लोगों ने जो एक्सियल पढ़ लिया अब आप लोग उसको स्किप कर देना जेन से अभी आप लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हाइंड हाइड आपके फोर लिम्स पेक्टोरल गर्डल और आपके हैंडलेम्प्स जो नीचे आपका पेल्विक रीजन है इन दोनों के ऊपर आप लोगों ने अपना फोकस रखना है हम लोग इसकी हड्डियों के बारे में जो है अगेन बुक से थोड़ी हेल्प लेंगे कि हमारे पास हड्डियों की नंबरिंग जो है वो कहीं गलत ना हो जाए तो पेक्टोरल गर्डल कंप्राइज ऑफ तो सुप्रा सुप्रास्केप्यूला क्लेविकल और क्लेविकल कनेक्ट स्केप्यूला विद स्टर्नम दिस इज योर स्केप्यूला पोर्शन और ये आपकी स्टर्नम के साथ अल्टीमेटली यहां से जुड़ता है ठीक है और अगर आप कभी गौर से यहाँ देखना चाहें तो आपको ये हड्डी भी यहाँ पे वाजे नजर आएगी इस हड्डी को हम लोग बेसिकली यहाँ पे जोड़ने का एक कनेक्शन एक ब्रिज जो है वो डेवलप करवा रही सो so, हम लोग आगे अगर इसकी बॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन पर चलते हैं तो ये आपको थोड़ी सी जरा कॉम्प्लिकेटेड सी मिलेगी और लेकिन आप लोगों ने इसको गौर से देखना है कि जो फोल्डिंग है इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस रेडियस एंड अल्ला एट कार्पल्स फाइव मेटा कार्पल्स एंड फोर्टीन फ्लेंज ह्यूमरस रेडियस अल्ला तीन ही हो गई आठ आपके पास कार्पल्स हैं अब तीन और ये आठ आपके पास कितनी होगी ग्यारह बोन्स ग्यारह के साथ पांच मेटा कार्पेस ग्यारह और पांच ये सोलह बोन्स और फोरटीन फ्लैच so, uh, सो फोर्टीन एंड सिक्स फोरटीन एंड सिक्सटीन और अल्टीमेटली आपके पास जो है वो uh, ग्रुप बनाएंगी सो so, आपके पास हम लोग इसको अगर कैटेगराइज करना चाहें तो इसमें आपके फोर लिम्स में हम इसको uh, बारी बारी लिखेंगे तीन बॉन्स जो हमारे पास स्टार्ट में थी रेडियस अलना और ह्यूमरस की उसके बाद जो हमारे पास कार्पल्स हैं कार्पल्स आर एट इन नंबर मेटागार्पल मेटागार्पल हमारे पास जो है वो पांच हैं और फ्लेंजेस जो हमारे पास हैं फ्लेंजेस आर फोर्टीन इन नंबर ह्यूमरस फॉर्म बॉल एंड सर्किट ज्वाइंट विस्थ कैप्यूला वाइल डिस्टल एंड ह्यूमरस फॉर्म साइन ज्वाइंट्स रेडियस एंड द अल्ना एट डिस्टल एंड फॉर्म मल्टाई स्टेज जॉइंट विद एट रिस्ट बॉन्स हैं अब ना ये पहले हम लोगों ने बॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली अब हम लोग ये देख रहे हैं कि किस पार्ट का किस जगह पर रोल है रिस्ट वगैरह में जब यहाँ पे आपके आ जाएंगे कार्पेल्स और उसके बाद आगे ये मेटा कार्पेल्स और मेटा कार्पल्स के बाद यहाँ पे फ्लैजेस जो है वो आ जाएंगी सो so, आगे हम लोग चलते हैं हमारे सेकेंड पार्ट में

आठ आर्सल्स पांच मेटेड आर्सल्स और फोर्टीन पैंज सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन फोर्ड एम्स तो इसके बाद हम लोग आगे चलें तो ये अल्टीमेटली आपको बताएगा कि ये कौन सा पोर्शन कहां पे आप लोगों को बताया कि अब अगर हाइड लिंग हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग आपके पेल्विक रीजन को पेल्विक रीजन के साथ साथ हम लोग आपकी जो टोज हैं टोज की बात कर रहे हैं आपकी जो हड जो हड्डियां हैं आपकी टांगों की उनकी बात कर रहे हैं आपके जो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहां पे आपकी नीस पे आते हैं उनकी हम लोग बात कर रहे हैं देन हम लोग सॉरी ये हाइड ज्वाइंट है और उसके बाद फिर अल्टीमेटली आपकी जो फीट्स हैं हम उसके टार्सल उसके मेटा टार्स की बात कर रहे हैं सो इस तरह से अब अल्टीमेटली अगर मैं इसको रिमूव करके होल जो हमारे पास सम बनता है बॉन्स का वो लेकर आऊं तो वो होल सम आपके पास है दैट वुड बी इक्वल टू टू जीरो सिक्स बॉन्स अल्टीमेटली और ये आपके स्केलेटन की टोटल बॉन्स हैं और ये आपकी एक मेच्योर बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं सो so, इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक जिससे रिलेटेड है हम लोग उसको भी साथ ही कवर करेंगे और वो आपके पास है हम लोगों ने स्टार्ट में देखा था दैट इज ज्वाइंट्स वट आर ज्वाइंट्स लेडीज एंड जेंट में ज्वाइंट्स आप लोगों को आप लोग पढ़ते आए हैं हमेशा से कि आपके पास कुछ ऐसे ज्वाइंट होते हैं जो दो को आपस में मिलाते हैं एक तरह के मतलब तो ज्वाइंट्स हैं उनको हम लोग नाम देते हैं ए मूवेबल ज्वाइंट्स सेकेंड पोर्शन इज मूवेबल ज्वाइंट्स हालांकि हम लोग नंबरिंग ऐसे नहीं करते मैंने कर दिया मैंने मूवेबल सेकंड पे दी दिया क्योंकि मैं थर्ड पे लेके जा रहा हूं स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स को तो पहले मैं डिस्कस करूंगा अबाउट नंबर वन एंड नंबर थ्री हल्का हल्का इनके बारे में थोड़ी डिस्कशन हम लोग करेंगे फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो जो मेरे पास इमूवेबल जॉइंट्स हैं ये कौन से हैं हम लोग इनको पहले देख लेते हैं आ, जो मूवेबल ज्वाइंट्स इमूवेबल हैं आप लोगों को पता है कि ये बिल्कुल नहीं आ, जो है मूव करते और इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास जो हैं वो फिक्स्ड जो आपके होते हैं मतलब जॉइंट्स फॉर एग्जाम्पल हमारे लाइक यू नो स्कल के अंदर वो फिक्स है एंडियाँ वो मूव तो नहीं कर रही इस तरह हमारे जो यहाँ पे जॉज वगैरह के अंदर ये फेशियल बॉन्स में तो ये सारे पार्ट्स हैं ये फिक्स्ड है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स हमारे पास होते हैं ये वो ज्वाइंट्स हैं जो कि थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ करते हैं यानी कि स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स तो अब ना इनके साथ साथ बुक में नाम भी जो है वो गिवन है तो जो इमूवेबल हैं उनको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है फिब्रिस का इसी तरह जो स्लाइटली मूवेबल हैं उनको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है अबाउट कार्टिलेजिनस अब ये आप लोगों को बताना चाहिए कार्टिलेज का जिक्र हो रहा है कार्टिलेज नेस ये जॉइंट्स हैं और फिर तीसरे नंबर में जो जॉइंट्स आते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं साइनोवियल जॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है खादीन व हजरत के हमारे पास जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं उनकी आपने एग्जांपल्स याद रखनी है स्कल हमारे टीथ जॉज हमारे जो है ये पार्ट जो आपके स्कल के हैं बेसिकली ये हमारे पास इमोवेबल ज्वाइंट्स अच्छा अब ये जो इमोवेबल ज्वाइंट्स हैं इनको हम लोगों ने दूसरा नाम किया फेबरेस का कुछ ऐसे हैं जो स्लाइटलीमूेबल है लाइक like हमारी वेटी

और ये आप लोगों को फ्रहम करते हैं मूवमेंट इन मोर देन यू नो मतलब स्लाइटली मूवेबल से थोड़ा ज्यादा मूवेबल होते हैं इसकी दो टाइप्स है हमारे पास उन दो टाइप्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो ये मैं बाकी पोर्शन में डाल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट का जो पोर्शन है उसको हम लोग छोड़ रहे हैं तो इसकी बेसिकली में दो टाइप्स हैं एक टाइप को हम लोग नाम दे रहे हैं हाइंच जॉइंट्स और दूसरी हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट अब जो हाइन ज्वाइंट्स हैं याद रखिए है आप लोग हाइन ज्वाइंट जो ये आपको दो जो है वो डायमेंशन में मूवमेंट दे रहे हैं लाइक एल्बो दिस टू एंड फोर ये आपके पास मूवमेंट जो है लाइक like हम इसकी बात करें एल्बो एल्बो के साथ साथ हमने अगर कोई और बात करनी है तो हम लोग नीस की बात कर लें तो ये आपको जो है वो दो डायमेंशन में मूवमेंट फॉर्म कर इसके अलावा जब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात कर रहे हैं तो ये मोर देन सिंगल डायमेंशन लाइक हमारा जो शोल्डर का ज्वाइंट है आप देखिए आपको मूवमेंट वो काफी ज्यादा फॉर्म कर दिस इज द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इस तरह हमारे पास जो हमारी जो पाँव की जो हड्डी है यानी कि जो पाँव जहाँ स्टार्ट हमारा हो रहा है सो so, वो जिस जगह पे आगे पहलवे के साथ मिटी हुई है तो इस जगह का जो भी हमारे पास जॉइन है इसको भी हम लोग नाम देते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ही क्योंकि आपको मोर देन वन डायमेंशन में मूवमेंट जो है वो फ्राम कर रहा है अच्छा ये हमारे पास जो है फ्लैक्सीबिलिटी वगैरह का जो अंसर है वो इनमें बहुत ज़्यादा होता है आपको पता है इसमें हमारी कार्डिलेस का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो भी ऐड हुआ होता है ताकि कोई ज़्यादा शॉक की कंडीशन जो है आपको फील ना हो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस Ladies and gentlemen, if you have any kind of question, you can mail us. Thank you so much.